कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुलदेवी और देवता का सम्मान करने और उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत करती है। कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने की प्रथा अलग समुदायों में अलग होती है और सभी कुलों के देवी देवता भी अलग होते हैं। किसी भी विवाह संस्कार में उन्हें आमंत्रित करना अनिवार्य माना जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, जिससे कुल की समृद्धि बनी रहे। उन्हें हमारे वंश का रक्षक माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे दर्शन के लिए जरूर ले जाना चाहिए, जिससे उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और जीवन में कोई समस्या ना आए। शनो देवी रविश्या दुर्वा प्रसवा उद्भूना में अजिरेण पवित्र सूर्य सरस्व तसले पवित्र पटे पवित्र पूत जितना महा पुनः तगे अम्मा मत्स्य मुद्रिका आशा दया ओम हरि ओम महा मा गंगस्य ध्यानम कुर्यात। ग्राम खैरा मलेथी सतपुली में सतेश्वर प्रसाद नौटियाल जी के परिवार द्वारा मिलजुल कर की गई कुल देवी देवता की पूजा। देवभूमि उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं देवों की भूमि कहा जाता है। यहां के कण कण में देवी देवता वास करते हैं। रोठ प्रसाद देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाला एक स्थानीय भोग प्रसाद है। यहां यह रोठ प्रसाद कई मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी जब किसी व्यक्ति की कोई कामना पूर्ण होती है, तब वह अपने आसपास के मंदिरों में रोठ प्रसाद चढ़ाते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे पौराणिकता अब खत्म होती जा रही है, तो व्यंजनों को बनाने के तरीके और उनके स्वाद में भी अब परिवर्तन हो गया है। अब बहुत कम जगह पर रोठ को लकड़ियों की आंच पर सेका जा रहा है, अन्यथा सब जगह आधुनिक गैस चूल्हे ही इसके लिए प्रयोग हो रहे हैं।
मान्यता है कि कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से आपको उपवास का भी फल मिलता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। मलेथी मनसा देवी एवं भैरवनाथ के दर्शन कर दूर दूर से आए हुए भक्तों ने भंडारे में बने प्रसाद को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद नौटियाल एवं सतेश्वर प्रसाद नौटियाल जी के पूरे परिवार का हार्दिक धन्यवाद किया। हमें भी अपने उत्तराखंड, अपनी देवभूमि, अपने ईस्ट कुल देवी देवता को नहीं भूलना चाहिए। उनकी समय समय पर रोट भेंट की पूजा जागर आदि करने अपने देवभूमि वापस आना चाहिए। कुल पुरोहित द्वारा पूजा संपन्न कर नौटियाल परिवार को आशीर्वाद दिया गया। सभी ने आर्मी से रिटायर होने पर सूबेदार सतेश्वर प्रसाद जी को ढेर सारी बधाइयां भी दी। इनका पूरा परिवार धार्मिक एवं आस्थावान है।